ये जो सी ग्रारी है इसके दंदे जो से ख़राब हो गए, जो नीचे एक सिविल के साथ लगी हुई है, ये जो सी है इसमें मैं डालूँगा, ये नई ग्रारी है, ठीक है। तो ये जो सा ग्रारी खाली नहीं, इसकी मतलब जो अंदर वाली हिस्सा है सारा वो ठीक है, सिर्फ ऊपर से इसकी ग्रारियाँ स्लिप हुई हैं। तो अब मैं इसमें ये जो है ना जो सी ग्रारी मैंने आपको दिखाई है, ये मैं ग्रारी इसमें डालूँगा। और ये किस तरीके से खोलनी है आप ये देख सकते हैं, इसको क्लाक वाइज आपने कील की मदद से जो है ना कील लेके हथौड़ी लेके क्लाक वाइज आपने इसको जो है ना करना है खोलना है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ, ये जो है ना इसके अंदर मिट्टी छट्टी बहुत लगी हुई है, आज लगा हुआ है, तो इसको मैंने हवा मारी है और पेट्रोल वाली गंद थी वो मारी, उससे मैंने सफाई किया इसकी, ठीक है। तो इसको आपने जो है ना ग्रारी को जो है आपने कील की मदद से जो है ना और हथौड़ी की मदद से आपने क्लाक वाइज आपने इसको पुश करना, तो ये हमारी ग्रारी जो है ना खुलने लग जाएगी, ठीक है। फुल ग्रारी नहीं हमारी खुलेगी, हमारी सिर्फ जो है ऊपर से इसकी जो ग्रारियाँ होती हैं वो खाली बाहर आएंगी, बाकी सारी जो सी ग्रारी इसी तरह साथ लगी रहेगी। तो ये मैं मुकम्मल वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ग्रारी चेंज करें, ठीक है। ये ऊपर वाला इसका नट खुल गया है, तो अभी इसके अंदर ये तीन वाशें वगैरह होती हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, अभी नहीं निकल रही कील के साथ। तो आपने क्या करना है, नट खोल के आपने ग्रारी को पकड़ना है इस तरह, ठीक है, और बिल्कुल व्हील को बिल्कुल उल्टा कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं गोलियों समेत जो है हमारी ग्रारी बाहर आएगी, ठीक है। ये हमारी ग्रारी बाहर आ गई, ये देख सकते हैं आप इसमें एक छोटी छोटी गोलियाँ, ठीक है। इसको मैं साइड पर रख देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ से ये ग्रारी हमने ये वाली इसमें नहीं डालनी, अभी हमने इसमें नई वाली ग्रारी डालनी है, ठीक है। वो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो वो कस्टमर कह रहा था कि यही जो है ऊपर वाली हरी ग्रारी मुझे चेंज कर, तो बाकी ठीक है मेरा काम चल रहा है। तो मैंने कहा चले मेरे पास ये पड़ी हुई है तो मैं आपको लगा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसकी हालत, बाकी इसकी चीज़ें देखें, ग्रारी पूरी नहीं खुली, हाली ऊपर से इसकी जो सी ग्रारियाँ होती हैं वो खुली हैं, और बाकी इससे जो सा इसका सारा मशीनरी इसकी जो होती है वो सारे बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। ये गोलियाँ जो इसके साथ लगी हुई हैं ये मैं थोड़ी थोड़ी निकाल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये गोलियाँ मैंने, एक गोली और अभी रह गई, ये मैं किसी तार के साथ जो है ना ये गोली भी निकाल लेता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो है ये जो से हमने इसकी ग्रारी उतारी है, ये ग्रारी नहीं, अभी हम दूसरी ग्रारी जो सी है ना नई ग्रारी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली ग्रारी अभी जो है ना इसमें डालेंगे, इसकी थोड़ी सी मैं ये अंदर से जो है इसकी जो मशीन थी इसको मैंने थोड़ी सी पेट्रोल के साथ जो है ना एयर मारी है ताकि जो है ना इसकी सफाई हो जाए, और ये इसके जो अंदर मशीन होती है जो काम कर रही होती है ग्रारी को आगे पीछे घुमा रही होती है वो ठीक हो जाए। उसके अंदर जो है ना अक्सर ग्रीस वगैरह ये जो सा माल डालते हैं वो जम जाता है, तो इसके जो से ये इसको हम तो कुत्ते बोलते हैं, अगर ये वर्क नहीं कर रहे होते तो फिर जो से काम नहीं करते तो फिर इसको सफाई करनी पड़ती है यहाँ पे। ये भी कभी मैं किसी दिन वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये किसी अगर ग्रारी बिल्कुल फ्री हो जाए तो उसको कैसे सही करते हैं। तो अब ये ग्रारी है, ठीक है, ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसकी मशीन जो सी थी अंदर वाली वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा भाई को ये वाली मैं आपको लगा के देता हूँ। तो इसको भी मैं लगा रहा हूँ ग्रीस, तो यहाँ पे जो सी वो सारी गोलियाँ नीचे जो आपको नज़र आ रही होंगी सारी गोलियाँ जो है इसके अंदर मैं डालूँगा। इसकी ग्रारी के जो है दोनों तरफ गोलियाँ डलती हैं, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो अभी ग्रीस मैंने लगा दी, ठीक है, अभी मैं इसको गोलियाँ जो लगाऊँगा, पहले एक तरफ लगाऊँगा फिर दूसरी तरफ, ठीक है। तो अभी गोलियाँ जो बहुत छोटी छोटी गोलियाँ भी बहुत छोटी होती हैं तो बहुत मुश्किल से इसमें भी डलती हैं, तो अभी मैं डालूंगा, ठीक है। आप देख लें वीडियो को ध्यान से किस तरीके से आप डालेंगे, ये सारी गोलियाँ जो है ना आधी इधर डलेंगी और थोड़ी सी रह जाएंगी वो दूसरी तरफ डलेंगी। तो अभी मैं इस तरफ डाल देता हूँ, दोस्तों पता नहीं आपको वीडियो की समझ आती है नहीं आती, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से बनाऊँ आपको समझ भी आ जाए। तो अगर नहीं आती तो मुझे कमेंट शमेंट करके बता दिया करें भाई समझ नहीं आ रही है मुझे इस तरह, मतलब ना कि दूसरे तरीके से बताया, कोई और तरीका आप इस्तेमाल करें, मुझे आप गाइड करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही नज़र सही समझ आए। तो ठीक है, मैंने ये एक तरफ सारी गोलियां इसकी डाल दी हैं, ये क्लियर हो गई जगह, अभी मैंने इसकी दूसरी तरफ भी गोलियाँ डालनी है, ठीक है। तो दूसरी तरफ भी आप इसी तरह जो है ग्रीस लगाएँगे, थोड़ी सी ग्रीस लगानी है, ज़्यादा ग्रीस नहीं लगानी, ठीक है, थोड़ी सी ग्रीस लगा दी है। तो अभी इसमें जो बाकी थोड़ी सी गोलियां रह गई हैं वो सारी गोलियां इसमें डलेंगी, ठीक है। तो अभी मैं गोलियां स्टार्ट करता हूँ डालता हूँ, ये खाली जो सी ऊपर वाली ग्रारियाँ जो सी थी ना ये खाली वो हमने चेंज करनी है इसकी, और मैं पुराना फ्राई व्हील भी आपको आखिर में दिखा दूंगा कि वो किस तरीका था, वो किस तरीके का था, उस पर क्या मसला था, तब मैंने चेंज किया,
ठीक है, ये बाकी बिल्कुल नई थी, हाल इसके अंदर वाली मशीन ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चलो यार ये किसी को लगा के दे देंगे, तो मैंने इसको साफ शफ किया है। तो अभी जो है इसमें गोलियां मैंने डाल दी सारी, क्लियर हो गई है। अभी मैं इसको व्हील के ऊपर करूँगा फिट, ठीक है। तो आप ये देख लें कि जब आपने खोली गरारी तो आप ये चेक कर लें, इसके सही काम करने चाहिए इस तरह, ठीक है, मूव करनी चाहिए। जब तक मूव करेंगे तो आपकी गरारी सही काम करेगी, मूव अगर नहीं कर रहे तो फिर आपकी गरारी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके मूव कर रहे हैं इसका मतलब सही है। तो आपने आराम सुकून से जो है ना गरारी रखनी है। इसको मैं थोड़ा साफ़ कर दूँ प्लेट को, बाइक की फरमाइश थी, प्लेट थोड़ी साफ़ कर दें, ठीक है। तो ये गरारी आपने इस तरीके से आराम सुकून से इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना घुमाना है आपने रवास की तरफ, ये अब सही होगी, हमारी बैठ गई है। इसके ऊपर अभी जो है ये तीन वाशें, ये मैंने निकालते हुए की वीडियो आपको नज़र नहीं आई, तो ये तीन निकाली थी, ठीक है। ये वाशें आपने डालनी है, ठीक है। ये अब जब खोलेंगे गरारी आपको पता चल जाएगा कि ये वाशलें मतलब किस मकसद के लिए होती हैं। ये वाशलें तब होती हैं कि अगर आपका फ्राई व्हील ज़्यादा टाइट हो जाता है तो आप वाशल एक और रख दें, तो ये आपकी बिल्कुल फ्राई व्हील सही काम करने लग जाता है, ठीक है। और रख के अब ये मैं ऊपर नट लगा रहा हूँ, ये नट जो है ना एंटी क्लॉक टाइट होगा, क्लॉक वाइज खुलता है और एंटी क्लॉक टाइट होता है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इसको कील की मदद से जो है ना थोड़ा थोड़ा पुश करना है पीछे से कील को, थोड़ी सी मारना है, तो ये आपका फ्राई व्हील टाइट होता जाएगा होता जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं बस ये इसका मैं फ्राई व्हील बिल्कुल बंद हो गया है। तो इसमें आप ये है कि थोड़ा सा हार्ड है, देखें थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो इसमें अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालूँगा, ठीक है। तो क्योंकि ग्रीस थी, ग्रीस थोड़ी सी मतलब जाम सी करती है, तो थोड़ा मिट्टी का तेल डालूँगा, पतली हो जाती है ग्रीस, तो फिर ये बिल्कुल सही काम करता है। देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल फिट काम कर रहा है, सही तेज़ घूम रहा है, अभी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गए। तो अभी मैं आपको पुरानी गरारी भी दिखा रहा हूँ, पुरानी गरारी की जो है दंदाने स्लिप हुए थे, दंदे स्लिप हुए थे, ये देखें इसके दंदे स्लिप हुए हैं, इस वजह से मैंने नई गरारी डाली है, ठीक है। तो यही थी वीडियो आज की छोटी सी।